वो मायावती से जुड़ी है जिन्होंने विरोधियों पर ट्वीट कर तंज कसा है। मायावती ने कहा है कि बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन से विरोधियों की नींद उड़ गई है। दूसरी खबर एटीएस की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी है। एटीएस ने रोहिंग्या लड़कियों को बेचने वाले दो अवैध रोहिंग्या और एक बांग्लादेशी शख्स को गिरफ्तार किया है। तीसरी खबर एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी है जिनकी हड़ताल अब मरीजों पर भारी पड़ती दिख रही है। चौथी खबर आगरा से है जहां पर जलकल विभाग की लापरवाही की वजह से लोगों को पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं पांचवी खबर बारिश के बाद हुए जलभराव की है जो कि कई जिलों में न सिर्फ नगरपालिका की पोल खोल रहा है बल्कि इसकी वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड से जहां बिजली कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। एक महीने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के आश्वासन के बाद वापस ली गई है हड़ताल। कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे उत्तराखंड के बिजली कर्मचारी। जायज मांगों को 15 दिन के अंदर विभागीय स्तर पर पूरा किया जाएगा ये हरक सिंह रावत ने आश्वासन दिया है। तो बिजली कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे अब उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, हड़ताल वापस ले ली है बिजली कर्मचारियों ने, क्या आश्वासन उन्हें मिला है मंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि पहले एमडी यूपीसीएल के द्वारा भी आज बैठक ली गई थी। उस बैठक में कोई भी विचार नहीं बना था और सभी जितने भी कर्मचारी उन्होंने वॉकआउट किया था। उसके बाद खुद ऊर्जा मंत्री को पूरी कमान संभालनी पड़ी, लेकिन अब जो हड़ताल की जो बात थी उसको वापस ले लिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो जायज मांगे हैं उनको 15 दिन के भीतर विभागीय स्तर पर पूरा करने का निर्णय लिया गया है और सभी कर्मचारी संगठनों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। तो फिलहाल जो हड़ताल थी उसको स्थगित कर दिया है क्योंकि हमने देखा कि कल रात से जैसे ही ऊर्जा कर्मियों की हड़ताल हुई थी, आज जैसलमेर शहर की मैं बात करूँ तो 40% इलाके में बिजली गुल थी, पहाड़ों में इस तरीके की समस्याएं थी, जल विद्युत परियोजनाएं पूरी तरीके से प्रभावित थी। तो इसको देखते हुए जो है सरकार ने निर्णय लिया है और ये आश्वासन दिया है कि अभी वो हड़ताल को स्थगित कर दें, जिसको मानते हैं उन्होंने स्थगित कर भी दिया है, लेकिन 15 दिन के बीच जो जायज मांगे हैं वो पूरी करने का आश्वासन है। अभी देखना होगा कि जो मांगे पूरी होती है उसके बाद 1 महीने बाद किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं या फिर उनकी मांगे पूरी की जाती हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। अगर यूपी में एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा है कि बिना एम्बुलेंस के अगर किसी की मौत हुई तो उसे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस चालकों पर मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका असर पड़ा है, लेकिन अब सरकार ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की और कहीं किसी जिले में कोई कैजुअलिटी होती तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी, उनसे जानेंगे। सर, एक हड़ताल तो पहले क्लर्क बाबू कर रहे थे, उसको आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी भी एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल प्रदेश में चल रही है। देखिए, एम्बुलेंस सेवा के साथ एक गतिरोध हमारा पहले से भी चल रहा था। जब जीवीके वालों ने कोर्ट में दाखिल किया था कि वो यहाँ से छोड़ के अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाना चाहते थे, ये सुप्रीम कोर्ट तक मांगना गया था और क्योंकि उनका अग्रीमेंट कहता है कि इतने साल तक उनको चलाना पड़ेगा, हमने दबाव दिया कि आप जैसे भी हैं आपको चलाना पड़ेगा अग्रीमेंट के तौर। और जीविका का पुराना आदत है कि वो ट्रिप्स के हिसाब से अगर कहीं आपको एम्बुलेंस का फ़ोन आता है और 15 मिनट में आपको निर्धारित समय के अंदर पहुँचना है जहाँ तक एम्बुलेंस आए, वहाँ अक्सर ये लोग आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा के बाद पहुँचते हैं, जिसके वजह से हमने इनके ऊपर बहुत सारे कार्रवाई और पेनल्टी कर चुके हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर कहीं किसी भी ज़िले में कोई कैजुअलिटी होती है तो जो एम्बुलेंस के चालक हैं उनके खिलाफ तो FIR दर्ज होगी, साथ ही साथ इसमें व्यवधान उत्पन्न करने वाली कंपनी के लोगों के खिलाफ भी सरकार FIR दर्ज कराएगी। सहयोगी प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, IP गंगा, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में सरकारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल आज लगातार दूसरे दिन भी जारी है। पिछले 2 दिनों से चल रही हड़ताल का सीधा असर अब गरीब मरीजों पर पड़ता हुआ नजर आने लगा है। तमाम मरीजों को आज प्राइवेट एम्बुलेंस या फिर निजी वाहनों के जरिए अस्पताल तक पहुंचना पड़ रहा है। मरीजों के तीमारदार सरकार से इस मामले में दखल की मांग करते हुए हड़ताल जल्द से जल्द खत्म कराने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हड़ताली कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हड़ताल से पहले उन्होंने 3 दिनों तक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। 2012 से हम लोग लगे हुए हैं, इस तरह लोगों की सेवा करते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे मृत्यु दर हमारे जो है समाज में बहुत कम हो गई है
हम यही चाहते कि हमारे हमारी प्रभु मांगे हैं कि ठेका प्रथा बंद हो, हमको NHM में शामिल किया जाए। हमारी मेन मांगे ये है। हमारे EMT पायलट भाइयों के एम्बुलेंस के माध्यम से हमने तहसील स्तर पे एक एक एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए दे दिया गया है कि हम मरीजों को जो भी एक्सीडेंटल हो या कोई भी इमरजेंसी पेशेंट हो उनको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनके जीवन की भी रक्षा कर सकें। और अब आपको एक प्रयागराज में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से जुड़ी तीन तस्वीरें दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हड़ताल की जा रही है प्रयागराज में। जो एम्बुलेंस कर्मी हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हड़ताल की वजह से सभी सरकारी एम्बुलेंस का चक्का जाम हो गया है। दूसरी तस्वीर में आप एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल की तस्वीर देख सकते हैं। वहीं जो तीसरी तस्वीर है उन मरीजों की है जो कि हड़ताल की वजह से परेशान है और इन लोगों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और आइए आपको समझा देते हैं कि विरोध का वजह दरअसल है क्या, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों हड़ताल की जा रही है, ये हम आपको समझाते हैं। देखिए, एम्बुलेंस की ALS सेवा नई कंपनी जिगित्सा को सौंप दी गई है। अब कंपनी नए सिरे से एम्बुलेंस कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। अब पहले से काम कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारी नई भर्ती के खिलाफ है। कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा इस समस्या का नहीं निकल पाया। ALS एम्बुलेंस कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर हैं 102 और 108 सेवा के कर्मचारी। आपको बताएं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग, एम्बुलेंस कर्मचारियों को पहले से मिल रहा मानदेय दिया जाए, ये उनकी मांग है। ठेका प्रथा खत्म हो, किसी तरह का बॉन्ड ना भराया जाए, ये उनकी एक प्रमुख मांग है। उनकी मांग ये भी है कि कोरोना काल में जान गंवाने वाले कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब आपको बताते हैं कि हड़ताल पर किस तरीके से शासन हरकत में आया है। शासन सचिव अपर्णा यू ने DG हेल्थ और DG परिवार कल्याण को निर्देश दिए हैं किसी भी हाल में मरीजों की सेवा प्रभावित ना हो। 108 और 102 सेवा को ESMA के अंतर्गत मानते हुए हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश शासन स्तर से दिए गए। तो देखिए, मांगे क्या हैं ये हमने आपको बताया। हमने ये भी आपको समझाया कि हड़ताल किस वजह से की जा रही है। हड़ताल की प्रमुख वजह यह है कि जो पहले कंपनी को ठेका था इन कर्मचारियों का, वो कंपनी अब बदल दी गई है और वो कंपनी अपने तरीके से, अपने नए तरीके से अब ALS कर्मचारियों की भर्ती कर रही है, जिसका विरोध कर रहे हैं तमाम एम्बुलेंस कर्मचारी। और यही वजह है कि 102 और 108 के एम्बुलेंस कर्मचारी ALS एम्बुलेंस कर्मचारियों के समर्थन में उनके लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनकी कुछ और भी मांगे हैं। मांगे ये हैं कि ठेका प्रथा पूरी तरीके से खत्म की जाए। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में उत्तर प्रदेश BJP सांसदों की बड़ी बैठक हो रही है। 28 और 29 जुलाई को बैठक होगी। 28 को ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र की बैठक होगी, जबकि 29 को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। BJP अध्यक्ष JP नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, पूरी तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में जुट गए हैं और यही वजह है कि अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अब BJP की अहम बैठक तमाम उत्तर प्रदेश के सांसदों से होने वाली है। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ प्रमुख एजेंडे रहेंगे जिन पर चर्चा होगी इस बैठक में? देखिए प्राची, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। सांसदों की किस तरीके से भूमिका रहेगी इस चुनाव में, इसको लेकर चर्चा होगी। सांसदों को किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, इसके लिए ये अहम बैठक होगी। कल रात 8 बजे ये बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के घर पे 3 क्षेत्रों के जो सांसद हैं उनकी ये बैठक होगी, जिसमें खासतौर से अगर बात करें कल ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जितने सांसद हैं उन सांसदों की बैठक कल रात 8 बजे होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष
सुतम देव सिंह और इसके अलावा जो प्रभारी है पार्टी के राधा मोहन सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। कल इन सांसदों को बताया जाएगा कि पार्टी के लिए किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से सांसदों की भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए और कैसे पार्टी को आगे ले जाना है। फिर 29 तारीख को अगर बात करें तो काशी क्षेत्र, अवध क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी, जिसमें तमाम सारे सांसदों के मुद्दों की चर्चा की जाएगी और किन किन मुद्दों को लेकर इनको जाना है जनता के बीच में, कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार के जो कामकाज है, केंद्र सरकार के कामकाज है, राज्य सरकार के कामकाज है, इनको जनता तक पहुंचाना है और किस तरीके से सांसदों की भूमिका रहनी विधानसभा चुनाव के लिए, तो इसको लेकर चर्चा की जाएगी। काफी अहम बैठक है ये, चूंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक है और ये अहम बैठक है। अविनाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना काल में भीड़ से बचने के लिए प्रयागराज पुलिस ने अनूठी पहल की है, जिसके तहत पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी निभाने वाले डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने ऐसा मोबाइल नंबर जारी किया है जिस पर फरियादी वीडियो कॉल कर उनसे या फिर जिले के किसी पुलिस अधिकारी से सीधे रूबरू होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे सेवा के शुरू होने के पहले दिन ही इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला, जहां पर 2 घंटे में ही करीब 100 लोगों ने वीडियो कॉल कर अपनी समस्या पुलिस तक पहुंचाई और इंसाफ की गुहार लगाई। उधर अगर ये प्रयोग कारगर साबित होता है तो इसे नीचे के स्तर पर भी लागू किया जाएगा। कोरोना काल में पुलिस की इस पहल से लोगों को काफी फायदा होने की उम्मीद है, जहां वो बिना थानों के चक्कर लगाए सीधे पुलिस से अपनी शिकायत कर सकते हैं। हमने वीडियो कॉल के थ्रू भी जनसुनवाई की एक सर्विस आज से शुरू करी है, ताकि ऐसे लोग जो घर पर हैं, अकेले हैं, वृद्ध हैं या बीमार हैं, जो नहीं आ सकते हैं, इसके अलावा ऐसे भी लोग जो लोग बाहर हैं, देश में हैं या विदेश में हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी बातें सुनी जाए, फिजिकल अपीयरेंस के माध्यम से भी वर्चुअल वो लोग अपनी बातों को कह सके, तो ऐसे लोगों के लिए हमने सर्विसेज शुरू की है, ताकि उनकी बातों को सुना जा सके, समझा जा सके और उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। 2 दिन पहले भूस्खलन की तस्वीरें हिमाचल से सामने आई थी। हिमाचल के किन्नौर में भूस्खलन की वजह से एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन लगता है कि लोगों ने उस भयानक हादसे से सबक नहीं लिया। रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल दहलाने वाली थी, ये तस्वीर दर्दनाक थी, ये तस्वीर कुदरत का कहर थी। इस तस्वीर ने देश को झकझोर कर रख दिया था। बावजूद इसके ये कैसी जानलेवा लापरवाही, दर्दनाक हादसे के बाद भी लोगों ने नहीं लिया सबक। पच्चीस जुलाई को हिमाचल के किन्नौर के सांगला घाटी में लैंडस्लाइड के बाद जो हुआ, उसकी कल्पना भर से दिल सहम जाता है, दिमाग सुन पड़ जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सांसें थम जाती हैं, कलेजा कांप जाता है। एक बार तो लगता है कि ये कोई फिल्मी दृश्य, काश ऐसा ही होता। लेकिन ये तो रील नहीं, रियल जिंदगी का खौफनाक मंजर था, जहां कुदरत के कहर ने पलक झपकते 9 लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। प्रकृति का ये प्रहार इतना अचानक और आक्रामक था कि किसी को सोचने तक का मौका नहीं दिया। मरने वालों में जयपुर की एक डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी, जिन्होंने कुछ ही देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि प्रकृति माँ के बिना जीवन कुछ भी नहीं है, और वो पल भर प्रकृति की गोद में समा गए। लेकिन इस हादसे के 2 दिन बाद आया ये वीडियो कितना जानलेवा और भयावह है, इसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कमरे में भी आए।
पुल पूरी तरह टूट चुका है, नीचे नदी की तेज धारा बह रही है। लेकिन 25 जुलाई को हुए हादसे से सबक लेने की बजाय यहां लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है, क्या उसे किसी और बड़े हादसे का इंतजार है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शामली में मूसलाधार बारिश के बाद पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मानो शहर टापू में तब्दील हो गया हो। एक घंटे की बारिश में पूरा शहर ही डूबा नजर आया। बारिश का पानी कई सारी दुकानों में भर गया और सड़कें भी पानी में पूरी तरह से डूबी नजर आई। वहीं जल भराव के इस हालात ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी। खासतौर से शामली की सीबी गुप्ता कॉलोनी में हालात बद से बदतर दिखाई दिए, जहां पर मौजूद मेन बाजारों में दो दो फुट पानी भर गया और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मणप्पुरम गोल्ड लूट मामले में एक और गिरफ्तारी की गई है। 25,000 का इनामी अंशुल समेत तीन लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी से 1 किलो सोना और करीब 2,90,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। लूटकांड का मुख्य आरोपी नरेंद्र उर्फ लाला अभी भी फरार चल रहा है। सीधा अब रुक कर लेंगे आगरा का, मेरे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, देखिए एक और आरोपी तो गिरफ्त में आ चुका है और उससे सोना भी बरामद किया गया है, कैश भी बरामद किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्य आरोपी तक कब तक पहुंचेगी पुलिस? देखिए बिल्कुल, इस मामले में मुख्य आरोपी नरेंद्र उर्फ लाला इस समय पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। नरेंद्र उर्फ लाला एक ऐसा कहा जाए शातिर अपराधी है जिसके दोनों भाई भी एनकाउंटर में और दूसरी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। उसकी जो बहन है वो भी शार्प शूटर है, तो कुल मिला के पूरा परिवार इसमें अपराध में संलिप्त है। और इस मामले में जिस दिन ये घटना हुई थी 17 तारीख को, उस दिन ही 2 घंटे के भीतर ही दो बदमाश निर्दोष और मनीष पांडे को पुलिस ने ढेर कर दिया था। और उसके बाद उनसे करीब 7.5 किलो सोना और बाकी जो कैश था 1,62,000 रुपये बरामद किए थे। उसके बाद एक जो संतोष जाटव करके है जो बदमाश, उसको भी एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया। एक बदमाश भोला शर्मा ने थाना कमला नगर में सरेंडर किया और अब जो अंशुल है और उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन नरेंद्र उर्फ लाला जो मोस्ट वांटेड बना हुआ है इस समय, 1 लाख का इस समय इनामी बदमाश है। ईडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण ने उन पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा हुआ है। पुलिस लगातार दबिश में आ पाता है। बन रही है नितिन, आप हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और अब बात फिर से आगरा की, जहां गंगाजल आ जाने के बावजूद पानी की दिक्कत कम नहीं हो पा रही है, जिसके पीछे जलकल विभाग की लापरवाही साफ नजर आती है। पाइपलाइनों की समय से मरम्मत ना होने के कारण अक्सर लीकेज की वजह से लाखों लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसने फिलहाल मौजूदा पाइपलाइन को डैमेज कर दिया है। एक बार फिर से हम नितिन का रुख कर लेंगे। नितिन, देखिए लाख कोशिशों के बावजूद भी आगरा के जो लोग हैं वो पानी की किल्लत से अभी भी जूझ रहे हैं, उनकी समस्या दूर नहीं हो पा रही है और लापरवाही पर लापरवाही विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, देखिए जलकल विभाग के जब तक अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी सरकार, वो सुधरने वाले नहीं हैं। आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 142 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसके तहत आगरा के 10 वार्डों के लिए पाइपलाइन जलकल विभाग से बिछाई जा रही है। और उन जो तमाम जो इंजीनियर्स हैं, तमाम कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ज़मीन के अंदर एग्जिस्टिंग एक और पाइपलाइन इस समय पड़ी हुई है। और इसकी और यही वजह है कि अभी तक उस जो अभी पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें पानी की सप्लाई नहीं हुई, लेकिन जो नीचे की जो पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त कर दी। लाखों लोग इस समय पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। सुबह जब हम बेलनगंज स्थित कुछ महिलाओं से, लोगों से बात की तो लोग जबरदस्त आक्रोशित थे। देखिए बिन पानी सब सून, एक नारा भी है। तो कुल मिला के कहा जाए सुबह से लेकर शाम तक बहुत लाजमी है, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है, वो भी तब जब बड़े बड़े सपने विकास के दिखाए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नितिन। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल को वापस ले लिया है। 1 महीने के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ली गई है। आपको बता दें कि कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे उत्तराखंड के बिजली कर्मचारी। जायज मांगों को 15 दिन के अंदर विभागीय स्तर पर पूरा किया जाएगा। क्या कुछ कहना है ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का, आइए आपको सुनवा देते। जो मांगे इनके हमारे विभाग के स्तर पर है, हम उनको 15 दिन के अंदर पूरा करेंगे। बाकी जो जिसमें कैबिनेट में जाना है, वित्त का परामर्श चाहिए, उनके लिए हमने 1 महीने का समय मांगा है और
हम समय रहते हुए इन सारी चीज़ों का समाधान निकालेंगे। जो नहीं कर पाएंगे हम माफ़ी मांग लेंगे, इनसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ इसलिए आपकी नहीं हो सकती है। और वो भी मुझे मालूम है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो भी समझते हैं। और कोई मैं आभारी हूँ, मैं हमारे कर्मचारियों का आभारी हूँ।